ना जाने हमें हमारी आदतों की वजह से कुछ लोग जानवर कह रहे हैं, हो सकता है वो सही कह रहे हो। हाँ तो यार क्या ले बढ़िया सब यार, आज हम एक अनबॉक्सिंग के साथ एक टेक्निकल काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम वो काम करेंगे जो कि इस वीडियो में होना ही चाहिए था, क्योंकि इस काम के बिना ये वीडियो अधूरा रह जाता है। यदि हम किसी चीज़ को अनबॉक्स करते हैं तो उसका ट्रायल जरूर लेते हैं। तो ये है एक महंगा सा पैकेज जिसमें आई है घटिया की वो पैकेजिंग। तो पहले हम इसे बॉक्स को खोल लेते हैं, ये बॉक्स नहीं है वैसे बढ़िया, तो ठीक है इसको खोल लेते हैं। और ये एक सस्ती सी अनबॉक्सिंग, देखिए ये 500 रुपये तक की रेंज का एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग दी गई है वो काफ़ी घटिया दी गई है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखिए फिर चिटकी हाथ रोक पता नहीं क्या बोलते हैं फिर वो आया है यार, कुछ भी नहीं है, ऐसे करते कभी कभी। ठीक है मैं सिंपली बताऊँ तो एक वेट देखिए अंदर से थोड़ी सी अच्छी पैकेजिंग में आई है, क्योंकि देखिए कुछ इस प्रकार की दिख रही है। हाँ मेरे को उल्टी दिखती है, आपको लोगों को सीधे दिख रही होगी। तो यह है कि बैटरी जो कि एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में आई है, जो कि कितने की है 498 रुपये की है बैटरी, जिसमें MI की ब्रांडिंग कहीं भी नहीं है, लेकिन बैटरी सही है अभी 498 रुपये की है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिए। हम इसे फटाफट डालते हैं मोबाइल में, उसके बाद देखते हैं ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए फटाफट को डालते हैं मोबाइल। रेडमी 5A की बैटरी है और रेडमी 5A का मोबाइल होना चाहिए जब ये बैटरी रेडमी 5A की। क्या क्या बोल रहा हूँ यार भाई, समझ नहीं आ रहा। चलिए फटाफट डालते हैं मोबाइल। तो भाई सबसे पहले तो हमें टीम जिसमें जो डबल सिम स्लॉट रहता है और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं या दो सिम डाल सकते हैं, उसको खोल लेना है। ठीक है जैसे इधर से सिम रही ये रही सिम, उसको हटा लेना है। और भाई सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैं पहली बार किसी मोबाइल की जो एंड्रॉइड मोबाइल था उसकी बैटरी एक्सचेंज करने वाला हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। उसके बाद इसको हटा लेना है, लोगों को ये खुल गया, इधर का भी खुल गया और ये खुल गया मोबाइल, तो ये देखिए इसमें डाली हुई थी ओरिजिनल बैटरी, आज तक कभी मोबाइल खुला नहीं है, इधर सील लगी हुई है, इधर भी सील लगी हुई है, ये मोबाइल कभी नहीं खुला। और बैटरी खोलने में हमको थोड़ी सी समस्या आएगी इसमें, क्योंकि हमने कभी बैटरी भी नहीं खोली है। सबसे पहले ये पूरी स्क्रू खोल लेते हैं हम, इसमें भी अपने बैटरी कितनी फुल गई है, बैटरी कनेक्शन हटा लेते हैं, मोबाइल निकल पावर ऑफ कर लेते हैं, पावर ऑफ हो गया, अब खोलते बैटरी कनेक्शन, खोल लिया बैटरी कनेक्शन। अब इसे आप एडजस्ट से चाहो तो एडजस्ट भी खोल सकते हैं, कॉल इस तरह खोल सकते हैं। तो ये खोल लिया इतनी घटिया तरीके से, मेरे को लग रहा है मोबाइल चालू होगा नहीं होगा, इस हिसाब से मेरे मोबाइल को खोलना है। बहुत ही घटिया तरीके से बैटरी खोली हुई है, ऐसा मत करना भाई, मेरा तो फिर जिसकी कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल मेरा। ये तो हो सकता है भाई आप दूसरे की बैटरी एक्सचेंज करने जाओ, इस तरह से जैसे बैटरी खोलो भाई, देखो बैटरी पूरी बर्बाद हो गई है, ओरिजिनल बैटरी थी और ये इतनी घटिया तरीके से बैटरी खोल डाली उन्होंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बैटरी को चालू करके देखते हैं मोबाइल चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई बैटरी लगा ली हम लोगों ने, फटाफट मोबाइल चालू करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है मोबाइल हो गया चालू, अब फटाफट इसको कर लेते हैं। अभी बैटरी वीडियो बहुत लंबी थी, 9 मिनट फोन होते थोड़ी बोलेंगे, अब भी ऑन करे हो गए, बाकी में जो बकबक किया था बीच में वो लगी थी। फटाफट इसको कसते हैं, देखिए पूरा मोबाइल कस लिया हमने। अब मैं आपको दोनों बैटरी में अंतर बताऊँ, तो इसमें लिखा हुआ सबसे बड़ा अंतर मेन साम कि मेड इन चाइना मेड इन इंडिया, इधर सब चाइनीज में लिखा है, इधर लिखा हुआ सब इंग्लिश में। इधर जो 2910 में मेंशन किया गया, इधर भी 2910 में मेंशन किया गया, और जो ब्लेड मतलब और भाई ज़्यादा मेच नहीं कर सकते, इधर चाइनीज और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसको एक ही कर लेते हैं, एक कर सकते हैं इसका। उसके बाद देखते हैं इसका बैटरी कितना चलता है। मोबाइल अभी फिलहाल के लिए 9% ही मिशन में चल डालते हैं, कुछ नहीं करना है, लेकिन बैटरी तो चल इस तरह से नहीं निकालना है, क्या हाल है बैटरी का, ये बैटरी कोई काम की नहीं है, कितना मान की मोड़ दी मैंने इसको, लेकिन करंट आ रहा है, आ रहा होगा यहाँ करंट, इतना तो बना रही थी बैटरी, सिम डालते हैं, सिम उल्टी नहीं है, सिम जो सिस्टम देखता है उल्टा ही रखता है, सिम नीचे रहती है, इन पर नहीं डालना पड़ता है इसकी सिम को, एक स्लॉट तो घर में अंदर पड़ा हुआ है, लगा लूँगा। भाई बैटरी को इस तरह नहीं है ना कभी, भाई मेरे हाथ कांप रहे थे उसको, तो नहीं
दब रही थी, बिल्कुल हाथ पे लग रही थी, इस तरह नहीं गिरना यार। हो सकता है तो प्रोफेशनल पे हो, तुम दुकानदार पे हो, मेरे से चूतिया बनती मत करो भाई। और ये हमें कितने की पड़ी, 498 रुपये की पड़ी, ऑफर के साथ कभी कभी पड़ती है आपको 450 तक की भी, चेकआउट कर लीजिए अच्छी लगे तो। बाकी बैटरी बैकअप जान लेते हैं एक बार, तो मैम बैटरी बैकअप बताइए। बैटरी नॉर्मल परफॉर्मेंस करती है, जैसे कि आप न्यू मोबाइल लाते हो 6 महीने पुराना होने के बाद जैसे चार्ज होता है, उसी तरह से यहाँ बैटरी भी चार्ज होती है और बैटरी बैकअप उसी तरह का है जैसे आप मोबाइल लाते हो और उसके 6 महीने बाद आपका बैटरी बैकअप रहता है, यानी कि नॉर्मल है सभी चीज बैटरी में। सुनो आप लोगों ने बैटरी बैकअप कैसा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने खुद अभी बैटरी बैकअप टेस्ट नहीं किया, लेकिन भाई आपको अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिए इसको बैटरी को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा लगना तो नहीं चाहिए बैटरी का अलावा, सकता बैटरी लग जाए लेकिन हमारा चैनल तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन देख लो आप हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में तो तकलीफ बनवाए हैं।